शिक्षा में नवाचार बेहद जरूरी है। नई शिक्षा नीति के जरिए परिवर्तन राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कारगर साबित होगा, पर इसके साथ ही प्रचलित माध्यम भी स्टूडेंट्स के वर्तमान और भविष्य को निखारते हैं। और ऐसी ही संस्था है एनसीसी, जिसके जरिए कैडेट्स अपने भविष्य को निखारते हैं। अब इस कड़ी में एनसीसी कैडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिक्षा में नवाचार, तकनीक का संचार, होंगे सपने साकार, कमरे में ही चलाएंगे हथियार, बनेंगे ड्रिल मैदान, स्मार्ट क्लासरूम होंगे तैयार, रंग लाई एनसीसी कैडेट्स की पुकार। राजस्थान एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए फायरिंग रेंज जाकर प्रैक्टिस करना ही जरूरी नहीं होगा, बंद कमरे में ही वे लंबी दूरी की फायरिंग और लक्ष्य पर निशाना साधने की प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए एनसीसी महानिदेशालय राजस्थान गांधीनगर स्थित एनसीसी ग्राउंड में अत्याधुनिक हथियार प्रशिक्षण तकनीक स्थापित करने जा रही है, जिसे पॉइंट 22 एमिनेशन इंडोर सिमुलेटर रूम नाम दिया गया है। गौरतलब है कि एनसीसी कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान कई प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इसमें फायरिंग भी एक पार्ट है। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान इसका अभ्यास करना होता है। अभी अभ्यास एनसीसी कैडेट्स सिमुलेटर पर कर सकेंगे। ये कवायद एनसीसी के कैडेट्स को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही एनसीसी को और लोकप्रिय बनाने के लिए की गई है। इस तकनीक के जरिए कैडेट्स को फील्ड फायरिंग रेंज के स्थान पर एक कमरे के अंदर फायरिंग की बुनियादी तरीके अत्याधुनिक तरीके से सिखाए जाएंगे। कैडेट्स को फील्ड के अलावा कैंपस में भी सिमुलेटर की सुविधा मिल सकेगी। एयर, नेवी और आर्मी विंग की तरह ट्रेनिंग मिलेगी। नई तकनीक से कैडेट्स की क्षमता और दक्षता बढ़ेगी। ये सिमुलेटर कैडेटों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करने में होगा सहायक। मिलेंगे स्मार्ट क्लासरूम और अंडरग्राउंड फायरिंग रेंज। एनसीसी ग्राउंड में 2 मंजिला नया भवन भी बनवाएंगे। ड्रिल ग्राउंड भी विकसित किया जाएगा। सभी कामों पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण शुरू हुआ। बारिश में भी बाहर कैडेट्स को प्रशिक्षण में दिक्कत आती थी, ऐसे में अब इंडोर व्यवस्था से कैडेट्स को प्रशिक्षण में सहूलियत होगी। कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग, जिसमें सेना में उपयोग आने वाली लाइट मशीन गन और सेल्फ लोडिंग राइफल के संचालन और टारगेट पर निशाना लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें दुश्मन और सघन जंगलों में और सुनसान इलाकों में जवानों को मैप रीडिंग की जानकारी भी मिल सकेगी, जिसमें सेना में उपयोग आने वाली लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल के संचालन और टारगेट पर निशाना लगाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। एनसीसी निदेशालय के महानिदेशक एयर कमोडोर एनके जैन के मुताबिक एनसीसी के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उसी के तहत पहले चरण में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से यह नया भवन बन रहा है, जिसमें कैडेट्स को कई प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि भविष्य और उज्जवल हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं। जो बात कागजों में की गई है, वो धरातल पर भी उसी मंशा और संपूर्णता के साथ उतरे, ताकि इसकी मदद से हमारे नौनिहाल अपनी मंजिल पर ऐसा निशाना लगाएं जो कभी ना चूके। ट्रेनिंग एनसीसी में एक अहम भूमिका अदा करती है, और अगर आप एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा जाता है, क्लास में पढ़ता है, लेकिन एनसीसी में फोकस आउटडोर ट्रेनिंग पे है। तो पिछले 2 साल में कोविड के दौरान आउटडोर एक्टिविटीज़ में कमी आई थी, जो अब बैक विद द बैंग है। पूरा हमारा फोकस आउटडोर ट्रेनिंग पे है, और हमारी चेष्टा इस ट्रेनिंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आगे बढ़ने की है। तो हमने सिमुलेटर्स अपनाए हैं, हमारे फायरिंग सिमुलेटर, एयरक्राफ्ट सिमुलेटर और बोइंग सिमुलेटर, ये हमने प्रोक्योर किए हैं, और दे आर अंडर इंस्टॉलेशन और बहुत जगह इंस्टॉल होके प्रैक्टिस में भी हो रहे हैं, और इन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारा भी है। ये सिमुलेटर्स नॉट ओनली दे आर इकोनॉमिकल, वो एक लो कॉस्ट मीडियम है बच्चों को सिखाने का। राजस्थान में एनसीसी के प्रति स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका रुझान लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए पिछले कुछ समय में एनसीसी के कैडेट्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहां तक आती है, उस संख्या को देखते हुए कुछ कम पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब एनसीसी महानिदेशालय की ओर से गांधीनगर स्थित एनसीसी परिसर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका काम की शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से
अंडरग्राउंड फायरिंग रेंज के साथ साथ क्लासरूम और कई अन्य सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में तकरीबन 10 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी, उन्हीं में से 1.25 करोड़ रुपए से पहले फेज में ये काम शुरू किया जा रहा है। अगले वर्ष तक ये बिल्डिंग तैयार होने की संभावना है और सीएम खुद इसका उद्घाटन करेंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हचेला।